विश्व पोलियो दिवस के अवसर पर रोटरी क्लब द्वारा आज पटना सिटी के गुड़हत्ता से भगत सिंह चौक तक पोलियो जन जागरूकता रैली का आयोजन किया गया, जहां बच्चों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और लोगों को रैली के माध्यम से बच्चों को दो बूंद जिंदगी की, रोटरी ने ठाना है पोलियो को भगाना है के नारे के साथ पोलियो जन जागरूकता संदेश आम लोगों को दिया। वहीं रैली में होली विजन इंटरनेशनल स्कूल के बच्चों द्वारा दो बूंद जिंदगी के नुक्कड़ नाटक का मंचन किया गया, जिसके माध्यम से पोलियो के टीके का महत्व बताया गया। रोटरी ने ठाना है पोलियो को भगाना है के सामूहिक गीत के दर्शकों का मन मोह लिया। वहीं इस पोलियो जन जागरूकता रैली को देख आसपास के लोगों ने खूब सराहना की। स्वर्ण रानी के साथ तृप्ति रॉय की रिपोर्ट। वर्ल्ड पोलियो डे 24 अक्टूबर को जो मनाया जाता है, उसके लिए एक जन जागरूकता रैली का आयोजन किया गया है। और पूरे विश्व में रोटरी का एक अहम योगदान है कि पोलियो पूरे विश्व से मुक्त हो गया है। बस विश्व के दो देशों में पाकिस्तान और अफगानिस्तान में 4 केस मात्र डिटेक्ट हुआ है, और ऐसी संभावना है कि इस साल वो 4 केस भी समाप्त हो जाएंगे और हम लोग जो है पोलियो मुक्त विश्व की घोषणा कर देंगे। इसी जन जागरूकता के लिए आज स्कूल के बच्चे रोटरी क्लब पटना सिटी के बैनर के तले यहाँ उपस्थित हुए हैं कि लोग जागरूक होइए, जब तक एक भी वायरस विश्व की धरती पर आदमी पर इंसान पर जिंदा है, तब तक ये खतरा है कि यह वायरस फिर से बढ़ सकता है, फैल सकता है। इसीलिए इस वायरस को, पोलियो वायरस को हमें जड़ मूल से संपूर्ण उन्मूलन करना है। यही रोटरी का उद्देश्य है, यही हमारे RI प्रेसिडेंट शेखर मेहता जी का उद्देश्य है, हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रिस्पेक्टेड प्रतिम बनर्जी का उद्देश्य है, हमारे रोटरी क्लब पटना सिटी के सभी सदस्यों का उद्देश्य है, हमारे डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन अनंत अरोड़ा सर हैं, यहाँ प्रसिद्ध समाज सेवी आनंद मोहन झा सर हैं, सभी मीडिया बंधुओं का और आप सभी का, इन बच्चों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि रोटरी क्लब पटना सिटी के पोलियो उन्मूलन अभियान में आपने सहयोग किया। संतोष कुमार शर्मा, अध्यक्ष रोटरी क्लब पटना सिटी। रोटरी वर्ल्ड पोलियो दिवस है, मतलब आज के दिन हम लोग ये प्रण लिया था कि रोटरी के द्वारा पूरे वर्ल्ड में पोलियो को भगा दिया जाए, और विश्व में हम लोग ने ये चीज हासिल की है। ये सबसे पहली पहल रोटरी की, तो हम रोटरियन के लिए गर्व का विषय। तो आज उस पहल के लिए हम लोगों ने बच्चों के साथ यह जागरूकता अभियान चौक पे किया है, रैली निकाली है, और पोलियो बिहार हिंदुस्तान से भाग चुका है, देश में ज्यादा से ज्यादा जगह भाग चुका है, मगर हम लोग का अभियान इसलिए है लोगों को जागरूक करने के लिए कि आप पोलियो ड्रॉप लें और ये इसे फिर वापस ना लें। ये एक बूंद पोलियो की पूरा स्वस्थ देश, स्वस्थ संसार बनाने की हम लोग की कोशिश है। और इस जागरूकता के लिए अभियान किया गया, आज नुक्कड़ नाटक किया गया, रैली निकाली गई और लोगों को संदेश दिया गया कि आप बच्चों को पोलियो ड्रॉप दें और फिर वापस ना आने दें पोलियो को, पोलियो भगाओ, यही हम लोग का नारा है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अनंत अरोड़ा, थोड़े दिन से काम किया जा रहा है पटना सिटी का, ये भगत सिंह चौक के माध्यम से कुछ नुक्कड़ सभा का आयोजन कुछ लड़के लड़कियों ने मिलकर किया है, बड़ा एक आदर्श के रूप में चरितार्थ है ये कार्य। हम समझते हैं कि सारे पेरेंट्स को, चाहे महिला हो, पूरा परिवार को ये दो ग्रुप एक जीवनदायिनी का काम करता है। मैं समझता हूँ कि ये सब ऊपर वाले की प्रेरणा है, इसलिए हम इस काम को कर पा रहे हैं, और हम लोग चाहते हैं कि सारी संस्था समाज से भी मिलकर एक महत्वपूर्ण काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आनंद मोहन झा, अगस्त मानवाधिकार। जी हाँ, अगर आप भी चाहते हैं अपने सपनों का खूबसूरत घर लेना, तो हमसे संपर्क करें 30 टावर। तो संपर्क करना ना भूलें, गया पटना रोड अपोजिट JD गोयंका पब्लिक स्कूल, रसलपुर, गया, बिहार। खबरों में अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube चैनल न्यूज़ क्राइम 24 को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को जरूर दबाएं।